हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज मैं बहुत ही सिंपल वाला डिजाइन लेकर आई हूँ। ये डिजाइन आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हो। कार्डिगन स्वेटर, बेबी स्वेटर, लेडी स्वेटर, जैकेट, फ्रॉक, जेंट्स स्वेटर, ब्लैंकेट। ये डिजाइन सिर्फ 6 रोज का डिजाइन है। आपको ये 6 रो रिपीट करना है। इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको मल्टीपल ऑफ 4 + 2 extra stitches + 2 edge stitches में फंदा लेना होगा। मल्टीपल ऑफ 4 + 2 + 2 + 2। देखिए, रॉन्ग साइड पे ऐसे दिखता है। देखिए, इसमें मैंने मल्टीपल ऑफ 4 2 × 4 8 + 2 extra stitches + 2 edge stitches करके टोटल 12 फंदा डाला है। फर्स्ट रो स्टार्ट करते हैं राइट साइड से। फर्स्ट रो में आपको देखिए एक फंदा एज स्टिच ऐसे स्लिप करना है, फिर ऐसे आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, धागा आगे करना है। फर्स्ट में आपको 2 फंदा उल्टा, 1 2, फिर धागा पीछे करना है। अब देखिए, यहाँ पर आपको 2 फंदों को 1 फंदा बनाना है बैक लूप से। फिर देखिए, 2 फंदों को 1 फंदा बनाना है बैक लूप से फर्स्ट में, फिर 2 फंदों को 1 फंदा बनाना है आगे से। देखिए, 2 फंदों को 1 फंदा बनाना है आगे से। एक बार पीछे से बनाना है, एक बार आगे से, फिर इसको ड्रॉप करना है। अब आपको ये रिपीट करना है। देखिए, स्लिप फंदा को छोड़कर 2 फंदा उल्टा, फिर 2 फंदों को 1 फंदा बनाना है, 1 फंदा पीछे से, 1 फंदा आगे से। ये रिपीट करना है। देखिए, फिर से रिपीट, धागा आगे, 2 फंदा उल्टा, 1 2, धागा पीछे। देखिए, 2 फंदों को 1 फंदा बनाना है बैक लूप से फर्स्ट में, 1 2, फिर 2 फंदों को 1 फंदा बनाना है पीछे से। अब आगे से करना है, इसको ड्रॉप नहीं करना है आपको। से 2 फंदा निकालना है, 2 फंदा से आपको दो ही फंदा निकालना है इसे। देखिए, यहाँ तक 2 बार रिपीट हुआ है स्लिप फंदा को छोड़कर, यहाँ से यहाँ तक। फिर लास्ट में आपको देखिए ये 3 फंदा बचेगा, इसका क्या करना है, धागा आगे करना है, 2 फंदा उल्टा, 1 2, फिर धागा पीछे एज स्टिच। राइट साइड पे आपको हमेशा सीधा ही बुनना है। फर्स्ट रो कंप्लीट कर लिया है, सेकेंड रो रॉन्ग साइड। सेकेंड रो रॉन्ग साइड देखिए क्या करना है, 1 फंदा स्लिप करना है एज स्टिच, फिर रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, धागा पीछे। फर्स्ट में 2 फंदा सीधा, 1 2, फिर 1 फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे रखना है, फिर एन ओवर, 1 फंदा उल्टा। देखिए, आपको ये बीच के 2 फंदा में आपको 1 फंदा उल्टा, एन ओवर, 1 फंदा उल्टा बुनना है। ये रिपीट करना है आपको बार बार स्लिप फंदा को छोड़कर। ये 5 फंदा ही रिपीट करना है, 2 फंदा सीधा, फिर ये 2 फंदों को बीच के 2 फंदा, 1 फंदा उल्टा, 1 फंदा एन ओवर, 1 फंदा उल्टा, ये रिपीट करना है फिर से। देखिए, फिर से रिपीट, धागा पीछे, 2 फंदा सीधा, 1 2, फिर धागा आगे। देखिए, 2 फंदा में 2 फंदा निकला फंदा को, 1 फंदा उल्टा, फिर बीच में एन ओवर, 1 फंदा उल्टा, 2 बार रिपीट हुआ है। फिर लास्ट में आपको 3 फंदा बचेगा, धागा पीछे, 2 फंदा सीधा, 1 फंदा एज स्टिच उल्टा। सेकेंड रो कंप्लीट कर लिया है, थर्ड रो राइट साइड। 1 फंदा एज स्टिच स्लिप करना है, फिर रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, ऐसे धागा आगे, 2 फंदा उल्टा, 1 2, धागा पीछे, 3 फंदा सीधा। देखिए, 3 फंदा सीधा, 1, एन ओवर किया फंदा को भी सीधा ही बुनना है, 2 3। अब आपको ये रिपीट करना है। देखिए, 5 फंदा, 2 फंदा उल्टा, 3 फंदा सीधा, ये रिपीट करना है। फिर से रिपीट, धागा आगे, 2 फंदा उल्टा, 1 2, 3 फंदा सीधा, 1
दो तीन, देखिए दो बार रिपीट हुआ है, फिर लास्ट में आपको तीन फंदा बचेगा, दो फंदा उल्टा, एक दो धागा पीछे, एक फंदा स्टिच सीधा। देखिए थर्ड रो कंप्लीट कर लिया है, फोर्थ रो रॉन्ग साइड, एक फंदा स्टिच स्लिप करना है, फिर रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, धागा पीछे, फर्स्ट में दो फंदा सीधा, एक दो धागा आगे, तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन। अब ये रिपीट करना है स्लिप फंदा को छोड़कर, ये पांच फंदा है, दो फंदा सीधा, तीन फंदा उल्टा, ये रिपीट करना है, फिर से रिपीट, धागा पीछे, दो फंदा सीधा, एक दो धागा आगे, तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन। दो बार रिपीट हुआ, देखिए फिर लास्ट में तीन फंदा बचेगा, दो फंदा सीधा, एक फंदा स्टिच उल्टा रॉन्ग साइड पे। फोर्थ रो कंप्लीट कर लिया है, फिफ्थ रो राइट साइड, एक फंदा स्टिच स्लिप करना है, फिर रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, धागा आगे, दो फंदा उल्टा, एक दो, फिर धागा पीछे। देखिए अब यहाँ पर क्या करना है, तीन फंदा में एक फंदा ऐसे स्लिप करना है नीट वाइज, फिर बीच के एक फंदा सीधा, फिर देखिए स्लिप का किया फंदा को आगे के फंदा के ऊपर से ऐसे पास ओवर करना है, ऐसे दो फंदा को एक फंदा बनाना है, फिर एक फंदा सीधा। अब आपको ये रिपीट करना है, देखिए स्लिप फंदा को छोड़कर ये चार फंदा ही आपको रिपीट करना है, दो फंदा उल्टा, फिर दो फंदा को एक फंदा बनाना है, एक फंदा सीधा। अब ये रिपीट करना है, फिर से रिपीट, धागा आगे, दो फंदा उल्टा, एक दो धागा पीछे। देखिए दो फंदों को एक फंदा बनाना है, फर्स्ट में एक फंदा नीट वाइज ऐसे स्लिप करना है, फिर एक फंदा सीधा, स्लिप किया फंदा आपको आगे के एक फंदा के ऊपर से इसे पास ओवर करना है, फिर एक फंदा सीधा। देखिए दो बार रिपीट हुआ है, फिर लास्ट में तीन फंदा बचेगा, इसको दो फंदा उल्टा, एक फंदा स्टिच सीधा। फिफ्थ रो भी कंप्लीट कर लिया है, अब लास्ट रो सिक्स रो रॉन्ग साइड, एक फंदा स्टिच स्लिप करना है, फिर रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, धागा पीछे, दो फंदा सीधा, एक दो धागा आगे, दो फंदा उल्टा, एक दो। अब ये रिपीट करना है स्लिप फंदा को छोड़कर, दो फंदा सीधा, दो फंदा उल्टा, फिर से रिपीट, धागा पीछे, दो फंदा सीधा, एक दो धागा आगे, दो फंदा उल्टा, एक दो। दो बार रिपीट हुआ है, देखिए फिर लास्ट में आपको तीन फंदा बचेगा, धागा पीछे, दो फंदा सीधा, धागा आगे, एड स्टिच उल्टा। देखिए सिक्स रो में आपको ऐसा डिजाइन आएगा, आपको वन से सिक्स रो तक ही रिपीट करना है, फिर से ऐसे आपको रो वन से स्टार्ट करना है, देखिए राइट साइड से, फिर आपको लास्ट में देखिए ऐसा फुल डिजाइन आएगा। लास्ट में मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बाय।